इंसान इस वक्त दिल्ली देहात के क्षेत्र इलाके के हिरंगी गांव में, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो पहले क्रिकेट एकेडमी थी वो पहले कंट्री क्रिकेट एकेडमी थी, लेकिन उसी के साथ अब एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी ओपनिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। ऐसे में बता दें कि दिल्ली देहात का ये क्षेत्र है जहां पर जो युवा है, जो देहात के जो लोग हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्रिकेट एकेडमी दिल्ली देहात के इसी क्षेत्र में इसलिए खोला गया था कि जहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आसपास के जो गांव के लोग जिनमें लगन है खेलने की, क्लैप फॉर देम आल्सो, दे परफॉर्म भाग ले सके और अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। आज उनका दिन नहीं था जो लगातार जो देश में नाम रोशन करे। ऐसे में जो इस एकेडमी की शुरुआत के लिए एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी वो भी लगातार यहाँ पर इन लोगों के बीच में है, तो लगातार इसे क्रिकेट एकेडमी में नेशनल इंटरनेशनल जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो भी लगातार यहाँ पर देख रेख के लिए आएंगे और बच्चों को प्रभावित करेंगे कि इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो एमएस धोनी है वो खुद भी यहाँ पर आके बच्चों से मिलेंगे और उनकी जो प्रतिभा है उनको देखेंगे और उनको आगे बढ़ने का सौभाग्य देंगे। दिल्ली में एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत। दिल्ली के हिरणकी गांव में काउंटी स्पोर्ट्स के साथ मिलकर एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी ने आज शुरुआत की। यहां पर एमएस धोनी भी कुछ ही दिनों बाद पहुंचेंगे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। हिरणकी गांव की एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी में आज एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी के मद और कोच यहां खुद पहुंचे और आज रिबन काट कर एकेडमी की शुरुआत की गई। इस एकेडमी में बच्चों को भारत के क्रिकेटर एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कोच बच्चों को खेल के गुर सिखाएंगे। यहां देहात के बच्चों को प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा क्योंकि इसकी शुरुआत दिल्ली के देहात क्षेत्र से की गई है। दुष्यंत सेन जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी के बारे में बता देता हूं कि ये हमारी पहल हुई थी 5 साल पहले, जब 2014 के आसपास हुई थी, जब धोनी जी के पास थोड़ा टाइम भी होगा, टेस्ट से रिटायर हुए थे। तो ये था कि जब हम छोटे शहर से या ऐसे जगह से होते हैं जहाँ पर फैसिलिटी और कोचिंग अच्छी नहीं होती है, और ये एज ए प्लेयर मैंने भी अपना एक्सपीरियंस ये किया था और वो भी रांची जैसे जगह से आके खेल ये था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्रिकेट एकेडमी बनाने की तैयारी की जहाँ पे हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कोचिंग उस जगह तक पहुँचा सकें जहाँ लोगों की ज़रूरत है। दिल्ली तो मेट्रो सिटी है, यहाँ पे उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ अभी भी उतनी अच्छी कोचिंग नहीं चल रही थी। तो विवेक जी से बात चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए हम यहाँ पर अकेडमी लेके आए और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि हमारी जो कोचिंग टीम बहुत अच्छी है। डैरिल कलिनन हमारे डायरेक्टर हैं, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, एमएस धोनी इसके मेंटर हैं, और हमारे साथ जो बीसीसीआई के लेवल सी कोचेज हैं, जो टॉप क्लास कोचेज हैं, मंदार दाल भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और भी हमारे साथ कोचेज जुड़े हुए हैं जो कि बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम सेट बनाते हैं और इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों के लिए और उनके करियर में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सर, एकेडमी कब से शुरू होगी, किस तरीके से काम करेगी, जो यहाँ पर छुपी हुई प्रतिभा है देहात इलाके में खासकर? जी, अभी एकेडमी जल्दी से आज लॉन्च हो रहा है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर हो जाएगी, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 10 दिन में स्टार्ट होने ही वाला है। और यहाँ पे कोचिंग के अलावा हमने स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं और फीस पे नहीं कर सकते हैं उनको हम फ्री कोचिंग देंगे, कंपनी एकेडमी उनको पूरा सपोर्ट करेगी ताकि वो अपना करियर क्रिकेट में बना सके। सर, क्या खुद यहाँ पर बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए खुद एमएस धोनी भी आएंगे? जी बिल्कुल, वो हमारे एकेडमी में आते रहते हैं जब उनके पास टाइम रहता है, थोड़ा सा उनका शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है आजकल, लेकिन धीरे धीरे अब क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, उनके पास टाइम होगा तो होपफुली वो जल्दी यहाँ आएंगे। सर, अभी दिल्ली देहात के इलाकों में और कितनी अकेडमी खोलने का है अभी यहाँ इस तरह का? जी, अभी हम देख रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, विवेक जी से भी बात चल रही है कि हम 1-2-4 लोकेशन और देखते हैं जहाँ बच्चों की जरूरत है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वहाँ पे और भी हम करेंगे और दिल्ली में काफी हम एकेडमी खोलने का प्लान कर रहे हैं।